नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अभी तक हमने टोटल 58 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन पेपर नंबर 59 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल के साथ। पहले सवाल में पूछा है कि ग्रेट रिफ्ट वैली आर स्पेशल फिजिकल फीचर्स ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंटिनेंट के बारे में पूछा है कि ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो किस कंटिनेंट का स्पेशल फिजिकल फीचर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीकन कंटिनेंट। तो अफ्रीकन कंटिनेंट में आपको ग्रेट रिफ्ट वैली देखने को मिल जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें घास से रिलेटेड जो मैदान है, इससे सवाल हर साल बन ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ से भी एक सवाल पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सेल्वास दिया हुआ है, तो सेल्वास जो है ये आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन में देखने को मिल जाएंगे। लानोस जो है ये आपको ओरिनोको रिवर बेसिन में देखने को मिल जाएंगे। ग्रैंड चाको जो है ये डेंस फॉरेस्ट एंड ग्रासेस ऑफ द लोलैंड्स नदन अर्जेंटीना में देखने को मिल जाएंगे। पंपास जो है ये आपको ग्रासलैंड ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्जेंटीना में देखने को मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप लोग इजीली क्वेश्चन को देख पाएंगे। अगला सवाल है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है बताना है। तो देखो, पाँच लेक्स है, होम्स के नाम से आपको इसको याद रखना है। एक तो ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और लेक सुपीरियर। ठीक है, तो ये पांच लेक्स है। अब इसमें बोल रहा है कौन सी नहीं है, तो एक तो आपको ग्रेट बियर यहाँ दिख रही है और एक विनीपेग दिख रही है, तो आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, कॉक्स बाजार जो है जो कि बांग्लादेश में देखने को मिलता है, ये किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंडी बीच है। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंडी बीच। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें बोला है हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितनी बार जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन बार, 1977 में, 1980 में और उसके बाद 1992-93 में। अगला सवाल है, बोला है कि द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर आर वेस्टेड इन विच आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स का? आर्टिकल 202 में। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर आर वेस्टेड इन विच आर्टिकल, तो 202 में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें बोला है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जो है वो किस जिले में देखने को मिल जाता है। तो देखो, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज पूछा है, तो ये सबसे कम जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भिंड में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, वेन वॉज देवास बैंक नोट प्रेस जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, तो देवास जो बैंक नोट प्रेस है ये कब इस्टेब्लिश की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1974 में। ठीक है, तो 1974 में इसकी स्थापना की गई है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला है मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय जो है ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो ये इंदौर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखना है? तो इंदौर में काफ़ी ज़्यादा आपको टेक्सटाइल मिल्स देखने को मिलती है, मतलब कपड़ों के उद्योग काफ़ी ज़्यादा है, तो यहीं पर जो है ना मध्य प्रदेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का मुख्यालय देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है द अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश्ड बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई अंडरटेकिंग मध्य प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल हम देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, अगले सवाल में पूछा है चौधरी इज़ दी हेड ऑफ विच ट्राइब। तो देखो, चौधरी जो है वो किस जनजाति का मुखिया कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल जाति का। अगला सवाल है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई थी? तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दादर लोक नृत्य जो है वो किस अंचल से संबंधित है? तो दादर लोक नृत्य जो है ये आपको बघेलखंड से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है, ऑप्शन बी बघेलखंड से रिलेटेड है दादर लोक नृत्य। अगला सवाल है, इसमें बोला है मेकोंग डेल्टा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मेकोंग डेल्टा आपको वियतनाम में देखने को मिल जाएगा। तो मेकोंग डेल्टा कहाँ पर है? तो वियतनाम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला जो है वो किसका भाग है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला जो है ये आपको निम्न हिमालय का जो है भाग देखने को मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो देखो, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है इसमें बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीस्ता जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है।
ठीक है, अगला सवाल है, हैवी रेनफॉल अकर्स इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये कहाँ पर रेनफॉल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोरोमंडल के तट पे जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिल जाता है। अगला सवाल है, इसमें बोला है मैच दी फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, आंसर मिलाना है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फरक्का जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा, पहले वाले का ऑप्शन तो पहला ही है। जो घाट प्रभा है ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, तो पहला और चौथा तो हमारा मैच कर गया, तो आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरक्का कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में। घाट प्रभा जो है ये कर्नाटक में। हीराकुंड कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। ककरा पार कहाँ पर है, तो गुजरात में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है उसका संबंध किससे है, तो रानीगंज जो है इसका संबंध आपको कोयला क्षेत्रों से देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, इसमें बोला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, तो देखो सबसे कम जनसंख्या है फ्रेंड्स सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। तो सिक्किम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें बोला है कि वेयर इज़ द फर्स्ट एथेनॉल प्लांट ऑफ मध्य प्रदेश बिंग सेटअप इन द ईयर 2023 एंड 24, तो ये बालाघाट जिले में जो है बनाया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पूरे देश में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान। तो मध्य प्रदेश ने पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल जो है ये कहाँ पे हुए हैं, गुजरात में हुए, और 37वें कहाँ होंगे, तो गोवा में होंगे। अगला सवाल है, 13 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखो ये जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे? विवेक रंजन अग्निहोत्री को। अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला है कि वेयर विल दी कंट्रीज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप इन मध्य प्रदेश, तो ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडवा में। ठीक है, तो खंडवा में जो है ये कंट्रीज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा खंडवा में। ठीक है, 24 करेक्ट आंसर ए। विच ऑफ दी, इसमें बोला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाली प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है, तो देखो प्रथम राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये पहला राज्य होगा जो कि शिक्षा नीति 2020 जो आई थी उसको लागू करेगा। ठीक है, के कस्तूरी रंगन जो है इन्होंने रिकमेंड किया था, उसी के आधार पर ये शिक्षा नीति लाई गई है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से कथन जो है वो असत्य है, ये हमको बताना है, तो 26 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारूत स्तूप जो है वो छतरपुर जिले में नहीं है, भारूत स्तूप सतना में है। अगला सवाल है, शेख रमजान का संबंध जो है वो किस स्थान से है, तो शेख रमजान जो है ये आपको सागर जिले से देखने को मिल जाएंगे। निमाड़ समारोह की शुरुआत जो है वो किस वर्ष से हुई थी, तो निमाड़ समारोह जो है निमाड़ समारोह जो है ये वर्ष 1994 से इसकी स्थापना हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाजी का मेला जो है वो कौन सी नदी के तट पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है ताप्ती नदी के तट पर। कहाँ पे लगाया जाता है? ताप्ती नदी के तट पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिरहा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूरीबाई का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है, तो भूरीबाई जो है ये आपको चित्रकला से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी, पेंटिंग करती है भूरीबाई। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है, तो देखो बाणभट्ट की कौन सी रचना है, तो चंडी शतक जो है ये बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? चंडी शतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अगला है, लाल बाग महल जो है वो किस जिले में स्थित है, तो लाल बाग महल जो है ये आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें बोला है गुप्त गोदावरी जो है वो किस स्थान पर स्थित है, तो गुप्त गोदावरी जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो चित्रकूट में। रेणुबाई का संबंध जो है वो किस घटना से है, तो रेणुबाई का संबंध आपको जंगल सत्याग्रह से देखने को मिल जाएगा, तो रेणुबाई जो है वो जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड है। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाले क्षेत्र जो है वो कौन से है, तो देखो ये निमाड़ वाला जो एरिया है वहाँ पर इसकी खेती होती है कपास की, तो 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो दक्षिण मध्य प्रदेश हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो कैसे, तो किस हिसाब से आंसर लगाया जा रहा है यहाँ पे, तो यह हमारा मध्य प्रदेश है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में जो है कपास की खेती होती है।
अगला सवाल जो है इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो देखो सर्वाधिक जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 37 का बी होना चाहिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वैसे तो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कान्हा नेशनल पार्क है, मगर दिए गए ऑप्शन में सतपुड़ा नेशनल पार्क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है जल संसाधन विभाग की स्थापना ये कब की गई है। तो जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई है 1956 में। कब की गई है, 1956 में। जोहिला जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो ये सोन नदी की सहायक नदी देखने को मिल जाएगी, 39 का सही आंसर हो जाएगा सोन। अगला है गुडविल चोटी की ऊंचाई जो है ये आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, तो गुडविल चोटी जो है ये आपको 1124 मीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। एक मिनट, गुडविल चोटी की बात हो रही है ना, क्वेश्चन नंबर 40 नहीं, ये 752 मीटर के आसपास है। ठीक है, अगला सवाल है इसमें बोला है 52 थड़ी परियोजना जो है वो कौन से ज़िले में देखने को मिलती है, तो ये बालाघाट जिले में है, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बालाघाट। अगला है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता, तो देखो कौन सा क्षेत्र इसमें नहीं आता, तो सुहागपुर जो है इसमें नहीं आता। ठीक है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सुहागपुर नहीं आता, मोहपानी आता है, शाहपुर तवा भी आता है, पेंच घाटी भी आती है, मगर सुहागपुर जो है वो नहीं आता। ये आता है किसमें, तो ये सिंगरौली वाला जो एरिया है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचाई वाला ज़िला जो है ये कौन सा है, तो ये डिंडौरी है। ठीक है, अगला सवाल है इसमें बोला है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो मध्य प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल आपको कितना देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 77,482, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 44, 77,493 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कुल कितने मिलियन पशु पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है आपको कितने मिलियन पशु देखने को मिल जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 40.69। G20 जो शिखर सम्मेलन है जो कि 2023 में भारत में होने वाला है, इसकी जो थीम है वो क्या होगी ये हमको बताना है, तो फ्रेंड्स वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो है इसकी थीम होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। फिर दिया है कि स्वतंत्र कैंपस के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय किस देश से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला सवाल है इसमें बोला है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, तो देखो इसमें भारत की जो रैंक है वो कितनी है, तो 42वें नंबर पे है भारत। फिर दिया है एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो एकलव्य पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत की गई है फ्रेंड्स यहाँ पर 1994 तो दिया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे 1994 होना चाहिए ना कि 1996। ठीक है, तो एकलव्य पुरस्कार जो है ये कब से शुरू हुए हैं, तो 1994 से शुरू हुए, ठीक है, 1996 से नहीं। चेन चेरा महोत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो चेन चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकारों की संख्या जो है वो कितनी है, तो ये टोटल 5 है। अगला सवाल हम देखते हैं इसमें बोला है इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1992 में। कब की गई है, वर्ष 1992 में। ठीक है, वर्ष 1992 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें पूछा है कि ब्राउज़र क्या है, तो देखो ब्राउज़र जो है ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो 53 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। शॉपशी नामक एक ऐप है वो किस ई कॉमर्स कंपनी से रिलेटेड है, तो जो शॉपशी नामक ऐप है ये आपको फ्लिपकार्ट से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा डिमांडवेयर। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है किसके पास होती है, तो ये होती है पार्लियामेंट के पास में, किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास में। एक मिनट, है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है, क्वेश्चन नंबर 56, तो फ्रेंड्स ये जो शक्ति है ना ये पार्लियामेंट के पास होती है, है ना। अगला है कि इसमें बोला है दी प्रोविज़न ऑफ दी अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इज़ मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, तो देखो ये आर्टिकल 127 में मेंशन्ड है। ठीक है, तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन बी,
अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषता कहा था, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला सवाल है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों एवं अधिकारों को किसने संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का, 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला सवाल देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग दी कोड गिवन बिलो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बजट के एक दिन पूर्व संसद में आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण में भावी वित्तीय वर्ष का अनुमान होता है, तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक ही कथन सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो पुराना ईयर जो गया है ना, उसका पूरा एक डेटा होता है, ठीक है, तो केवल एक ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजी रूपी को कितने बैंकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, तो देखो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 बैंकों में। अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें बोला है भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केवल 1 और 3, मतलब खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और आयकर में वृद्धि, तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखो पहला बैंक जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, से बैंकिंग कंपनी के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक जो है वो कौन सा है, तो 65 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। यजुर्वेद में त्रिपु शब्द जो है वो किस धातु के लिए प्रयुक्त किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टिन के लिए, ठीक है, टिन के लिए। अगला सवाल है, इसमें क्या बोला है कि ये वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें बोला है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की वास्तविक पहल जो है वे किस शासक द्वारा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का, गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मृच्छकटिकम, क्या हो जाएगा, मृच्छकटिकम। अगला है, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का, ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, इसमें बोला है निम्न में से किसे उसकी चतुराई, सूक्ष्म बुद्धि तथा स्पष्ट दृष्टि के कारण जाटों का अफलातून कहा जाता है, तो जाटों का अफलातून जो है वो किसे कहा जाता है, तो सूरजमल जाट को। अगला है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं या किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन जो है किसका है, तो ये कथन जो है लॉर्ड एल्गिन का है। अगला पुस्तक है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो गांधी बनाम लेनिन जो पुस्तक है ये S.A. डांगे द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 74, लाला लाजपत राय किस घटना के दौरान पुलिस लाठी चार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए और तत्पश्चात जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन के विरोध करते समय। अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला है कि चोल काल में निम्न में से किसका उपयोग विनिमय की इकाई के रूप में किया जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धान का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है, तो कौन अपरिवर्तित रहता है, तो केवल आवृत्ति जो है इनमें से अपरिवर्तित रहती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें बोला है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए व सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके आधार पे आंसर बताना है, तो सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन ए अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, मानव शरीर के अंदर विटामिन ए यकृत के अंदर निर्मित और इकट्ठा होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन के मानव शरीर के अंदर निर्मित करने का कार्य बड़ी आंत के कोलन भाग में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया करता है, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को।
अगला सवाल है, देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है फ्रेंड्स ASMI है, ठीक है, ASMI, असमी बोल सकते हैं आप लोग। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से, ठीक है, किससे? ड्राई फ्लावर बर्ड से। अगला सवाल है, इसमें बोला है भूकंप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके आधार पर हमको असत्य कथन बताना है। तो देखो, वह बिंदु जहाँ भूकंप की तरंगे अंत में पहुँचे उसे प्रतिध्रुवस्थ कहा जाता है, मतलब एंटी पोल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है आर्गन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमोसफियर बिफोर एन अर्थक्वेक, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें बोला है इन विच ईयर द नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया अगस्त 1992 में। अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 84 का हमारा ऑप्शन बी, इटली। अगला है कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है इसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे शामिल होते हैं, मतलब वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, 86 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो देखो ये क्या काम करता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ MLAs, ये वाला काम जो है इनके द्वारा नहीं किया जाता, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दिया है वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो देखो यहाँ पे कौन जो है चेयरमैन नहीं रहे हैं ये बताना है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 और 4 नंबर के जो व्यक्ति है, मतलब BN झा और JP गुप्ता, ये मध्य प्रदेश मतलब MPPSC के चेयरमैन नहीं रहे हैं। MP श्रीवास्तव रहे हैं, MB पीटर भी रहे हैं, ठीक है, अशोक कुमार पांडे भी रहे हैं, तो 3 और 4 ऑप्शन हमारा हट जाएगा यहाँ से। ऑन विच डेट द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर 1956 को, ठीक है, 27 अक्टूबर 1956 को ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया था, नोटिफाइड किया गया था, और 1 नवंबर 1956 को ये बना दिया गया था। अगला सवाल है, इसमें बोला है नीति आयोग इज द अपेक्स थिंक टैंक बॉडी फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये क्या काम करती है, तो किसका इनपुट प्रोवाइड करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 89 का हमारा ऑप्शन सी, निदेशकीय मतलब डायरेक्टिव और स्ट्रैटेजिक दोनों, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, इसमें बोला है निम्न में से क्या नीति आयोग का कार्य नहीं है, तो क्या इसका कार्य नहीं है बताना है, तो विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन करना, ठीक है, ये इसका काम नहीं है, ये फाइनेंस कमीशन का काम है। अगला है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जिसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है, ये किस वर्ष आया था, तो ये आया है वर्ष 2005 में, ठीक है, तो ये एक्ट आया था 2005 में और 2007 में इसे बनाया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। अगला है पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने वालों को कम से कम कितने वर्ष जो है कारावास होता है, तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष का। अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण संचालनालय की स्थापना जो है कब की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा 94 का ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर 1982 को। अगला है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम कितने आयुक्त हो सकते हैं, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। अगला है किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की आवश्यकता होती है। फिर है ट्रेंड माइक्रो जो है ये क्या है, तो ट्रेंड माइक्रो जो है ये आपको एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। अगला है जब मुख्य सर्वर किसी अन्य मेल सर्वर को मेल भेजता है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है SMTP इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है दो प्रोसेसरों के बीच रिमोट होस्ट पर कौन सी लेयर पीयर टू पीयर एंड टू एंड कनेक्शन देती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट लेयर। रोबोट के घूर्णी जोड़ को किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसे संदर्भित किया जाता है वी जोड़ के रूप में। तो यहाँ हमने टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।